तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, यहाँ पर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के तब से बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, और वो जो न्यूज़ निकल के आई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अब गाइस, यहाँ पर हम लोग बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को सोच रहे हैं कि 18 जून को आएगा, ठीक है। नॉर्मली हम लोग ये सोच रहे हैं, पर गाइस यहाँ पर क्राफ्टन कुछ और ही प्लान कर रहा है। हो सकता है कि ये हम लोग को ये 18 जून से भी पहले अपना गेम दे दे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और गाइस, क्या आज के दिन हम लोग का बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ट्रेलर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यार हम लोग बहुत ही दिनों से वेट कर रहे हैं, तो आज तो यार ट्रेलर आना ही चाहिए। तो क्या वो ट्रेलर आज आएगा कि नहीं आएगा, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यकीन मानो, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, और इस वीडियो के एंड तक ही आपको बस बने रहना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 1500। आप लोग जल्दी से मतलब कंप्लीट कर दो 1500 लाइक है। और एक और चीज़ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि गाइज, यहाँ पर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के तब से आज कुछ भी न्यूज़ आती है, कुछ भी ट्रेलर वेलर आता है, तो आपका भाई सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यारो, आप अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पर पहले आप एक गेमर को जानते होगे जिसका नाम है गेम एक्स प्रो। तो उनका जो टाइटल था ना, वो लिखा भी हुआ था कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया 10 जून को रिलीज हो सकता है। अब गाइज, यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है ना, जो इन्होंने टाइटल लिखा है ना कि 10 जून को अपना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आ सकता है, अब गाइज 10 जून को तो नहीं आ सकता अपना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, क्योंकि गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि 10 जून को अपना ट्रेलर देखने को मिलेगा। अब गाइज 10 जून के बाद जो मतलब 15 जून या 16 जून है ना, या उससे पहले भी अपना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया रिलीज हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो तो यार अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इनकी छोटी सी क्लिप देख लो उन्होंने क्या बोला है। भाई लेटेस्ट पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा है इट्स ऑलमोस्ट टाइम, यानी कि बस जस्ट थोड़ा सा रह गया है, एंड हो सकता है कि जो लॉन्च डेट है वो शायद 10 जून की हो। अभी तक गाइज आपने इनकी ये छोटी वाली क्लिप देख चुके हो गए। तो गाइज, इनके मुताबिक जो अपना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है वो 10 जून को रिलीज़ हो सकता है, पर मैंने आपसे कहा ना कि 10 जून को नहीं होगा, क्योंकि यार यहाँ पर अभी एक सिनेमैटिक ट्रेलर आना बाकी है, तो वो सिनेमैटिक ट्रेलर रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद अपना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भी रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो हम लोग सोच रहे थे कि 18 जून को आने वाला है, उससे पहले आने वाला है। अब रीज़न क्या है वो भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पर जितने भी MLA हैं वो आजकल अपने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। आप यहाँ पर वो कुछ चिट्ठियाँ भेजते रहते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी को कि इस गेम को आना नहीं चाहिए या इस गेम को रीचेक कर लो, तो ऐसी चिट्ठियाँ भेज रहे हैं। अब ये चीज़ क्राफ्टन को पता चल चुकी है। अब क्राफ्टन ये सोचा है कि अगर ये सब चीज़ें फिर से हुई तो गेम को आने में फिर से दिक्कत हो जाएगी, फिर गेम का जो लॉन्च डेट है जो हम लोग 18 जून सोच रहे हैं उसे आने में और भी डिले हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो क्राफ्टन क्या प्लानिंग कर रहा है कि इस गेम को पहले ही रिलीज़ कर दो, ये सब चीज़ें होते रहे, पहले गेम एक बार आ जाए, फिर उसके बाद तो गेम बैन करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद अगर कुछ दिक्कतें होंगी तब जाके इस गेम को बैन किया जाएगा। पर अगर पहले ही इस गेम को चेक किया जाएगा, मतलब आप समझ रहे होगे, गेम को चेक किया जाएगा तो उसको रिलीज़ करने में डिले हो जाएगा। तो इसीलिए क्राफ्टन ये चाहती है कि पहले ही गेम को रिलीज़ कर दो, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो देख लेंगे। अब गाइज, ये न्यूज़ को ना अपने टेक्निकल गुरु जी ने भी कवर किया था, अभी मैं आपको उनकी वो क्लिप दिखाऊंगा, फिर आप अच्छे से और समझ जाओगे। तो पहले उनकी गाइज वो वाली क्लिप देख लो। दूसरा दोस्तों यहाँ पे निकल के ये आती है कि फिलहाल जो हमारे पास में वो निकल गया था ना लेटर दोस्तों, जहाँ पे पहले एक MLA ने जो है वो लेटर लिखा था, उसके बाद दोस्तों हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लेटर लिखा था। तो अभी यहाँ पे क्राफ्टन को शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गेम के अगेंस्ट खतरा बढ़ सकता है, तो शायद जो गेम का लॉन्च है हमारे लिए मतलब अच्छी बात है, थोड़ा सा और जल्दी करते हुए, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जो कल टीजर निकल के आया था इट्स ऑलमोस्ट टाइम, कहने का मतलब ये कि जो गेम है वो शायद बहुत बहुत जल्दी आ सकता है, तो इंस्टेंटली गेम को लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। अब बस देखना यह है कि क्या वो 18 जून से पहले जब करते हैं तो आखिर कितना पहले कर पाते हैं। मैं आपको पहले बता भी रहा था कि 15 जून या 16 जून को हो सकता है, तो लेट्स सी कब आता है इंडिया में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो गाइस, जैसा कि आपने वो टेक्निकल गुरु जी की छोटी सी क्लिप देखी, वहां पर उन्होंने भी यही कहा कि अपना जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है ना वो 18 जून से पहले आ सकता है। अगर गाइस 18 जून से पहले आ सकता है तो एक जो डेट निकल के आ रही है वही अपना 15 जून और 16 जून, यही डेट निकल के आ रही है, इसी के आसपास अपना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया रिलीज़ हो सकता है। अब गाइज, इससे भी रिलेटेड अगर मेरे पास इन फ्यूचर कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपका भाई सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाएगा। अब गाइज, यहाँ पर रिलीज़ डेट तो हम लोग को पता चल गई है, पर रिलीज़ डेट अगर 15 जून है तो उससे पहले तो यार हम लोग को ट्रेलर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब गाइज, यहाँ पर आज का क्या सीन है कि आज हम लोग को बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के तब से कोई ट्रेलर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइज देखो यार, जितनी न्यूज़ इकट्ठा किया वो बहुत
थोड़े कम चांसेस हैं कि आज के दिन हम लोग को कुछ देखने को मिले भी, मतलब हो सकता है पोस्ट देखने को मिल जाए, ट्रेलर के थोड़े कम चांसेस हैं, हो सकता है कि रिलीज हो जाए, पर कम चांस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि कल ही के दिन हम लोग को अपना ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और वीडियो मुझे पता है बहुत मस्त वाली थी, क्योंकि गाइस यहाँ पर बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो गेम है वो 18 जून से भी पहले आ सकता है, तो इससे अच्छी न्यूज़ और क्या ही हो सकती है। और वैसे भी गाइस देखो यार, 9 तारीख है ना, तो 9 दिन और बचे अपने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को रिलीज़ होने में 18 जून अगर हम लोग मान रहे हैं, और अगर 18 जून से पहले रिलीज़ होने वाला है तो समझो वही 5-6 दिन के अंदर अपना बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया रिलीज़ हो सकता है, तो ये इससे अच्छी न्यूज़ और क्या ही हो सकती है। तो अभी के अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अभी ठोको, और जो भी मेरे पुराने व्यूवर हैं तो अभी के अभी आपको लाइक ठोक देना है, आपका जो लाइक टारगेट था उसे कंप्लीट कर देना है। तो हाँ यार, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे को नई कम माल की वीडियो में।